हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बी एन पांडे आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ कंपनी एक्ट। और यह कंपनी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपनी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ढेर सारे नए जो है सेक्शन जुड़े हैं कंपनी एक्ट 2013 में। और जब से ये कंपनी एक्ट 2013 बना है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 4 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। अमेंडमेंट क्यों किया जाता है, किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट करने की क्या आवश्यकता होती है, यह काल, परिस्थिति एवं समय पर निर्धारित करता है कि हमारी जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उस तरीके से हम क्लॉज को एड ऑन करते हुए चलते हैं। तो लेट न करते हुए जल्दी से हम लोग बातचीत करें अपने कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। किसके बारे में बच्चा? कंपनी एक्ट 2013 बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होगा आपको। कंपनी एक्ट 2013 बाकी में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, तो इसकी जो प्रिसीडर कंपनी थी वो कौन थे, कौन सा एक्ट था, यदि हम बात करें तो कंपनी एक्ट हम लोगों ने जानना है और जानते भी होंगे बहुत ढेर सारे लोग। कंपनी एक्ट 1956। और इसी के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी बातचीत की थी। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि भैया यही एक ऐसा है जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, तो एक कब हुआ, कैसा हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जल्दी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहां से चीजें पूछी जाए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री तो बताया कि ये जो कंपनी एक्ट है 1956, ये इसका क्या है, सक्सेसर रूप है, ठीक है, कंपनी एक्ट का सक्सेसर रूप है। स्ट्रक्चर्ड क्या है भैया, स्ट्रक्चर्ड के बारे में बात कर लें तो इसको जो है कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक होता है चैप्टर, उसके बाद हम बात करें, ठीक है, कितने चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है और कितने शेड्यूल्ड है। बात करें हम शेड्यूल्ड की, शेड्यूल भी कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, और यह कब लागू हुआ, महत्वपूर्ण बात तो यही है ना, यह लागू कब हुआ, यह कब लागू हुआ, कमेंस्ड बोल लो, कब आया, कब लागू हुआ, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वह वाकई में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 29 क्या है, चैप्टर हैं। कितने चैप्टर भैया, 29 चैप्टर हैं। सेक्शंस के बारे में बात करें, शेड्यूल के बारे में बात करें तो शेड्यूल लगभग 07 है। सेक्शन के बारे में बात करें तो 470 अप्रोक्स क्या है, सेक्शन है। और कमेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें भी दो डेट आपको याद करनी है। एक डेट है कि साइंड कब हुआ, साइंड, और दूसरा है कमेंस्ड, मतलब कब वह लागू हुआ। तो जो साइंड वाले डेट है वह 29 अगस्त 2013। कौन सा डेट है यह प्रश्न पूछा गया है कि साइन कब किया गया कंपनी एक्ट, तो 29 अगस्त 2013 को, ठीक है भैया, 29 अगस्त 2013 को। अब हम बात करें कि यह कमेंस्ड कब हुआ, तो लगभग 98 सेक्शन जो है वह 12 सितंबर 2013 के साथ इसमें एड ऑन हुआ। और एक महत्वपूर्ण डेट आपको याद करनी है, 1 अप्रैल 2014 यह भी डेट आपको याद करते हुए यह जानना है कि लगभग इस डेट को 184 सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, 184 सेक्शंस इंट्रोड्यूस, ठीक है। यह तो बच्चा कुछ महत्वपूर्ण बात रही, क्या क्या, कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 29 चैप्टर में, कितने शेड्यूल्ड है, 07 शेड्यूल्ड है, कितने आपके सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है, साइन कब किया गया और ये कमेंस्ड कब आया, ये भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रहा इसके बारे में। अच्छा भैया, ठीक है, अब देखो
इसमें कुछ की चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न में है, हो सकता है पूछा जाए कि किस के अंतर्गत यह आता है कंपनी एक्ट, तो आप क्या कहोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। चलिए जी, ये तो कुछ मौलिक बातचीत रही जिसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ की चेंजेस की, क्या क्या की चेंजेस हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करेंगे की चेंजेस। अब आप देखो की चेंजेस, दो तीन क्लास इसके बारे में मैं लूंगा, क्योंकि आपको अकाउंट्स पढ़ने के लिए जब हमारा फाइनल अकाउंट इसके बाद चलने वाला है, फाइनल अकाउंट और स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, या ऑडिटिंग के जो हमारे चैप्टर होंगे वहां से भी यह महत्वपूर्ण है ऑडिटिंग के लिए भी। तो हमारा की चेंजेस क्या क्या है इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बातचीत करते हुए ये आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 50 और वो अब बढ़ के कितने हो गए 200। पहला चेंज क्या है प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग मेंबर के मेंबर्स, पहले क्या थे मेंबर, पहले का जो था वो 50 था, अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया ये 200 हो गए मेंबर। एक नया और कॉन्सेप्ट इसमें सीएसआर का जुड़ा है, क्या जुड़ा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सीएसआर, कि कोई भी कंपनी अगर हो और उसका नेटवर्थ और टर्नओवर, ये दो मापदंड यहां पर बतलाए गए हैं। क्या क्या बतलाया गया है, नेटवर्थ और क्या जो है कह सकते हैं हम टर्नओवर। तो नेटवर्थ कितना होना चाहिए, लगभग कितना 5 बिलियन रुपीस नेटवर्थ, इसका जो स्ट्रक्चर्ड है क्या होना चाहिए, दो तरीके से 5 बिलियन रुपीस क्या हो ये नेटवर्थ हो, किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्थ कितना है 5 बिलियन रुपीस है, और दूसरा क्या कह रहा है टर्नओवर, टर्नओवर कितना होना चाहिए। अगर टर्नओवर के बारे में बात कर रहा है तो कह रहा है कि 5 बिलियन जो है कितना हो, 5 बिलियन हमारा नेटवर्थ हो और 10 बिलियन रुपीस हमारा क्या हो नेट, क्या हो नेट टर्नओवर हो, टर्नओवर कितना हो 10 बिलियन रुपीस। अगर इतना हमारा क्या हो रहा है नेटवर्थ, आप देख पा रहे होंगे नेटवर्थ और टर्नओवर अगर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने एनुअल प्रॉफिट का, पिछले एनुअल प्रॉफिट का, तो वो अपने प्रिसीडिंग एनुअल प्रॉफिट का, प्रिसीडिंग एनुअल प्रॉफिट का 2% अप्रोक्स, 2% अप्रोक्स किसमें देंगे, सीएसआर में देंगे 2%। भाषण भाई, तो ये की चेंजेस हुआ। एक और इसमें एक की चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी, ओपीसी, ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर जनरेट हुआ, 1% कंपनी। क्या नाम है इसका भैया, 1% कंपनी, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज की चेंजेस वगैरह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। की चेंजेस में 2013 में बताया है कि ये क्या होगा, ये सबसेट होता है किसका, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ओपीसी जो है ये किसका सबसेट है, यानी एक सबसेट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इसका तो ये क्या होता है भैया, एक
सबसेट होता है, कौन? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। मगर और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, बस इसमें कह रहा है कि बस एक ही क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे, क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे, एक ही क्या होंगे इसमें, वन डायरेक्टर होगा। यह भी इसके बारे में एक बातचीत किया गया। सबसेट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा, और एक डायरेक्टर होंगे किसमें, ओपीसी में, ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है वन पर्सन कंपनी को, और यह सेक्शन 264 में डिवाइड डिफाइन किया गया है। कहां पर डिफाइन किया गया है, अगर हम बात करें इसका डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 आई थिंक ना 2 सॉरी 2 और सब सेक्शन 62 में वन पर्सन कंपनी को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है जी कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलिए जी अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के तरफ जो इसमें की चेंजेस किया गया है, वो क्या है। अगर हम बात कर ले कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कि कंपनी सेक्रेटरी का जो है कैसे ये इतिहास के पूरे इतिहास के कंपनी एक्ट के इतिहास के पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कंपनी सेक्रेटरी को एज अ मैनेजरियल काम करने को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को इंट्रोड्यूस किया गया कैसा काम करने के लिए भैया, यह सेक्शन 203 हमको बताता है। ठीक है, कि की मैनेजरियल पर्सनल कैसा काम करेगा, ये एक महत्वपूर्ण की मैनेजरियल पर्सनल होता है, पर्सन के रूप में क्या करेगा, काम करेगा, और किस सेक्शन में इसको बताया गया है, सेक्शन 203 में। किसमें, सेक्शन 203 में यह इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया आप कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वह एज ए मैनेजरियल पर्सन जो है कि मैनेजरियल पर्सन के हैसियत से कार्य करेगा, कहां पर, कंपनी में। ठीक है, अब आगे हम बात कर लें कि इसमें जो मेजर हमारे चेंजेस हुए हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि मेजर चेंजेस, इतने कम समय में इसमें 4 चेंजेस हो गए हैं, मेजर चेंजेस। पहला चेंजेस कब हुआ भैया, मोदी गवर्नमेंट ने कंपनीज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015। सेकेंड, कंपनीज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2017। थर्ड, कंपनीज थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019। एंड लास्ट वन इज कंपनीज फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 4 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट अब तक किए जा चुके हैं इसमें। ठीक है, चलिए भैया एक बात इसमें और आया कि जस्टिस इराड़ी कमेटी ने एक इंसॉल्वेंसी और वाइंडअप के लिए क्या किया, कंपनी के वाइंडअप के लिए जस्टिस इराड़ी इराड़ी, यह भी हमें ध्यान देना है। एक मिनट, जस्टिस इराड़ी कमेटी जो एनसीएलटी फॉर्म किया गया, सबसे पहले यह भी महत्वपूर्ण बात है अगर हम बातचीत करें जस्टिस इराड़ी, जस्टिस इराड़ी कमेटी
जस्टिस सिराडी कमेटी थी और ये क्या बताया कि एनसीएलटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, जस्टिस सिराडी कंपनी लॉ रिलेटिंग और इंसॉल्वेंसी और वाइंड अप के लिए कंपनीज के लिए किससे संबंधित था पहले ये जान लो, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंड अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप मतलब वाइंडिंग अप तो समझते हो ना सब, मतलब कंपनी को क्या करना, बंद करना। तो एक जस्टिस इराडी जो है कमिटी फॉर्म की गई, इसके रिगार्डिंग इन्होंने एनसीएलटी यानी किसको, एनसीएलटी, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या बोलते हैं एनसीएलटी को, नेशनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को फॉर्म किया और ये कब से, ये भी बात आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1 जून 2016 को, 1 जून 2016 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी, जस्टिस इराडी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ क्यों, क्योंकि इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था किसके लिए, एनसीएलटी के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए, क्यों, क्योंकि इंसॉल्वेंसी और वाइंड अप के लिए इन्होंने अपनी बातचीत को रखा। ठीक है, चलिए और बात आती है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, क्या बातचीत किया इन्होंने, एनएफआरए यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, एनएफआरए। ठीक है, एनएफआरए का फुल नाम पहले आप लिख लो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए का पूरा नाम। इनका क्या कार्य था, इनको एक कार्य दिया गया, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया क्यों, मार्च 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एनएफआरए को, क्यों, क्योंकि ये ओवरसाइट बॉडी होगी, क्या काम है इसका, नियंत्रण करना, ओवरसाइट बॉडी, देखरेख करना, चीजों को बताना कि चीजें सही कंडक्ट हो रही है कि नहीं, किसको, किस पर यह अपनी बॉडी करेगी, इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, ये सीए पे क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, किस लिए, वो अगर कोई मिसकंडक्शन कर रहे हैं तो, मिसकंडक्शन कर रहे हैं तो। तो एनएफआरए भी एक महत्वपूर्ण संस्था उभर कर आई, ये हमको जानना चाहिए। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी मार्च 2018 में क्या हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ओवरसाइट बॉडी है ये, किसके रिगार्डिंग ये काम करेगा, सीए के मिसकंडक्शन के लिए काम करेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे ना उसके लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए भैया, ये तो हमने बातचीत किया इन सब के रिगार्डिंग। ठीक, अब हमारी जो अगली कक्षा होगी बच्चा, अगली कक्षा होगी उसमें हम लोग देखेंगे, आज तो थोड़ी हिस्टोरिकल और की चेंजेस देखे कि क्या क्या की चेंजेस हुई है और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखे हम थोड़ा कंपनीज एक्ट के बारे में। अब अगली जो हमारी कक्षा चलेगी, अगली जो क्लास होगी, वो वास्तव में हम देखेंगे उसमें कि हमारी कंपनीज एक्ट के कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जिसको हमको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और हमको वैसे भी उसको जानना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम एज अ मेंबर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ अकाउंटिंग स्टूडेंट, हमको ये सब सारी गतिविधियों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा संक्षिप्त इतिहास जाना, और संक्षिप्त इतिहास के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण उसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन किया, जो नए नए की चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। ठीक है,
तो कैसी लगी क्लास आपको? आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इस क्लास को देखने में। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, इसी को कंटिन्यूएशन के फॉर्म में करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करते हुए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी।